देश के मैदानी राज्यों में पड़ रही गर्मी से बचने के लिए सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के 5 शहरों का पारा 40 डिग्री पार हो गया है। अगले 4-5 दिन में तापमान में और इजाफा होगा। अब पश्चिमी विक्षोभ बिन बरसे कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए मैदानी राज्यों से शिमला आए पर्यटकों का कहना है कि शिमला में भी काफी गर्मी का एहसास हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है ये शिमला सिटी, बहुत बहुत सुंदर है। पर मुझे लगा थोड़ा ठंडी होगी, पर बहुत गर्मी है। हम मनाली से आए, वहाँ पे बहुत ठंडी थी, पर यहाँ पे अभी बहुत गर्मी है। जैसे मैं छाता में वॉक कर रही हूँ तो हाँ गर्मी है थोड़ा। हाँ उधर तो बहुत गर्मी है, उधर 40 प्लस है, या यहाँ तो हैदराबाद से थोड़ा कम है। एंजॉय कर रहे हैं शिमला का? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ शिमला बहुत बहुत खूबसूरत है। संडे और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। वैसे तो मैं रहने वाला हूँ अयोध्या का, उत्तर प्रदेश, लेकिन चंडीगढ़ में भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो हम और हमारे दोस्त लोग सब यहाँ शिमला ट्रिप में आए हैं। तो कैसा लग रहा है शिमला में आपको, गर्मी का एहसास हो रहा है? गर्मी तो मैंने सोचा था यहाँ पे काफ़ी ठंडा होगा, सुना था कि यहाँ शिमला जो है काफ़ी ठंडी जगह है, पर यहाँ पे उस हिसाब से मुझे मिला नहीं। यहाँ पे धूप हो रही है, गर्मी तो हो ही रही है, पर अगर मैं एक बार तुलना करूँ जहाँ से मैं हूँ, उत्तर प्रदेश या चंडीगढ़ में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, वहाँ पे 43 डिग्री सेल्सियस हमेशा टेम्परेचर रहता है और ऐसा लगता है कि एकदम जल जाएगा आदमी, पर उससे तो काफ़ी बेहतर है। यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, पहाड़ी लोग। शिमला का मौसम कंपैरेटिवली पटना से तो अच्छा ही है, हालांकि यहाँ पे भी गर्मी है, तेज़ धूप काफ़ी तेज़ है और यहाँ की हवा में काफ़ी ठंडक है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। नज़ारे काफ़ी अच्छा है, पहाड़ का जो सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत जगह से आते हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।